हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 11th का फिजिक्स। तो क्लास 11th का फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे कुछ मैथमेटिकल टूल्स के बारे में, वो मैथमेटिक्स जो हम लोगों ने अभी 10th तक में नहीं पढ़ा है, और 11th के फिजिक्स को समझने के लिए वो मैथमेटिक्स आपको आना जरूरी है। तो हम लोग इसका नेम देते हैं चैप्टर जीरो, और इस चैप्टर का नेम है मैथमेटिकल टूल्स। तो मैथमेटिकल टूल्स में हम लोगों को कौन कौन सा मैथमेटिक्स पढ़ना है, सबसे पहले आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ रखा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, उससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और बिल्कुल नया जो आप लोगों के लिए नया मैथमेटिक्स है वो है बाइनोमियल थ्योरम्स एंड फैक्टोरियल। तो बाइनोमियल थ्योरम्स को देखेंगे और फैक्टोरियल को पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम 11 के फिजिक्स और 12 का जो फिजिक्स है उसके थ्योरी को अच्छे से समझ पाएंगे, और हम उसके न्यूमेरिकल को अच्छे से बना पाएंगे। अगर हम यहाँ से अपने बेसिक्स को क्लियर करते जाएं और अच्छे से कंप्लीट करते जाएं, तो फिर हमको जो फिजिक्स में जो डर लगता है, न्यूमेरिकल नहीं बनता है, वो सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होते जाएगा। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लॉगरिदम्स, जो बिल्कुल नया टॉपिक है, और फिर ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री 10th में पढ़े हैं, बट उतना सफिशियंट नहीं है, हम लोगों को उससे थोड़ा ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना होगा। तो जहाँ तक रिक्वायरमेंट होगा हम लोग उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद एक नया टॉपिक है डिफरेंशिएशन, इसको पढ़ेंगे, और हम लोग फिर पढ़ेंगे इंटीग्रेशन को। ये सारा मैथमेटिक्स अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर हम एबल हो जाएंगे कि 11th 12th के फिजिक्स के थ्योरी को आसानी से समझ सके और उसके न्यूमेरिकल को इफेक्टिवली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज हम फर्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बाइनोमियल थ्योरम। फर्स्ट वीडियो में हम लोग ये दो टॉपिक्स को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला का। तो जनरल फार्मूला की अगर हम बात करें तो इसका जनरल फार्मूला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहाँ पे ए जो है वो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, बी जो है वो कोएफिशिएंट है एक्स का, और सी कॉन्स्टेंट है। तो इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज को देखेंगे कि हम इसको सॉल्व कैसे। तो इसके जनरल फॉर्म को हम समझ चुके हैं, अब इसको सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला है उसको समझते हैं। हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स का दो वैल्यू आएगा, जो इसका जीरोज या फिर रूट्स दोनों बोल सकते हैं। तो उसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो 10th में आप पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय 2a, जहां पे b क्या है कोएफिशिएंट है x का, और a क्या है कोएफिशिएंट x स्क्वायर का, c क्या है कांस्टेंट है। और इस फॉर्मूला को यूज करके हम इसका जीरोस और इसके रूट्स को फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू यानी जीरोस और रूट्स को फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए सबसे पहले कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, जिसको ए बोलेंगे, वन है, कुछ नहीं है तो वन है, वन मल्टीप्लाइड होगा इसके साथ। और एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट जिसको हम लोग बी बोलते हैं वो है माइनस फाइव, और कांस्टेंट क्या है सिक्स है। तो अब इस फॉर्मूला को यूज कीजिए, एक्स इक्वल टू माइनस बी, तो बी का वैल्यू क्या है माइनस फाइव है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी माइनस फाइव का होल स्क्वायर माइनस फोर ए का वैल्यू वन और सी का वैल्यू सिक्स बाय टू ए, तो ए का वैल्यू वन। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस फाइव प्लस माइनस अंडर रूट माइनस फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव माइनस फोर वन जा फोर और फोर इंटू सिक्स ट्वेंटी फोर बाय टू इंटू वन टू हो जाएगा। तो अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइव प्लस माइनस अंडर रूट ट्वेंटी फाइव माइनस फोर ट्वेंटी फोर वन के इक्वल बाय टू। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा फाइव प्लस माइनस वन बाय टू। तो अब क्या करेंगे हम, अब यहां पे देखिए, तो फर्स्ट में हम एक्स इक्वल टू फाइव प्लस वन लेंगे, फाइव प्लस वन बाय टू, और सेकेंड में क्या लेंगे एक्स इक्वल टू फाइव माइनस वन बाई टू, माइनस साइन को लेंगे। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू सिक्स बाई टू यानी थ्री टाइम में कटेगा यानी एक्स इक्वल टू थ्री हो जाएगा, और
एक्स इक्वल टू 5 माइनस 1 4 बाई 2 यानी x इक्वल टू 2 हो जाएगा ये कट करके, ओके। तो इस तरह से x का दो वैल्यू आया 3 और 2 जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज है, यानी इस पॉलिनोमियल जो गिवन जिस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसका जीरोज या फिर रूट्स क्या है 3 और 2 है, ओके। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम कोएफिशिएंट को लिखेंगे, तो कोएफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट है जिसको a बोलेंगे, क्या है एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, और b जो x के साथ कोएफिशिएंट है वो माइनस 9 है, और c जो कॉन्स्टेंट है वो 14 है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ओके। तो x इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू माइनस 9 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर, ओके, माइनस 4a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 14 बाय 2a का वैल्यू 1, ओके। तो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 9 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 इंटू 1 4 और 4 इंटू 14 56 होगा, ओके, बाय 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस माइनस अंडर रूट 81 में 56 माइनस करो 11 में 6 5 2 25 मिलेगा बाय 2, ओके। तो अब x इक्वल टू 9 प्लस माइनस अंडर रूट 25 जो है वो अंडर रूट अगर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा बाय 2, ओके। तो x इक्वल टू 1 टाइम क्या करेंगे, प्लस साइन लेंगे, तो 9 प्लस 5 बाय 2 और x इक्वल टू 9, अब नेक्स्ट में हम क्या लेंगे, माइनस साइन लेंगे, माइनस 5 बाय 2। तो x इक्वल टू हो जाएगा 14 बाय 2 और यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 4 बाय 2। तो x इक्वल टू 2 7 जा और 2 2 जा, तो x इक्वल टू 7 और सेकेंड में x इक्वल टू 2, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। तो बताइए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट क्या है, जिसको हम a बोलेंगे 2 है, और x के साथ कोएफिशिएंट जो b होगा वो 5 है, और कांस्टेंट जो c होगा वो माइनस 12 है, ओके। तो चलिए फार्मूला यूज करते हैं, x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ओके। तो x इक्वल टू माइनस b का वैल्यू 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू माइनस 12 बाय 2 इंटू a, तो a का वैल्यू 2, ओके। तो x इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 और माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 जा 8 8 इंटू 12 96 होता है बाय 4, ओके। तो x इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 6 और 5 11 कैरी किए 1 9 और 2 11 और 1 21 121 हो गया 6 और 5 11 कैरी किए 1 9 और 2 11 और 1 12 ओके बाय 4, ओके। तो अब क्या करेंगे, x इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 21 11 के इक्वल होगा क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है बाय 4। तो अब x इक्वल टू माइनस 5 अपर साइन यूज करेंगे प्लस 11 बाय 4 एंड x इक्वल टू माइनस 5 अब नीचे में जो साइन है वो यूज करेंगे माइनस 11 बाय 4, ओके। तो x इक्वल टू हो जाएगा 11 में जब माइनस होगा 5 तो 6 बाय 4 एंड x इक्वल टू माइनस 5 माइनस 11 माइनस 16 बाय 4, ओके।
तो 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 बाई 2 एंड x इक्वल टू 4 4 जा 16, तो यहाँ पे माइनस 4 आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका दो जीरोस या फिर दो रूट जो बोल रहे हैं वो x इक्वल टू एक 3 बाई 2 होगा और दूसरा x इक्वल टू माइनस 4 होगा। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। चलिए कोएफिशिएंट बताइए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3, एक्स का कोएफिशिएंट जो बी होगा 8 और कॉन्स्टेंट 5 है। तो फार्मूला एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ओके, तो एक्स इक्वल टू माइनस, अब बी का वैल्यू क्या है 8 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर माइनस 4a, तो a का वैल्यू 3, c का वैल्यू 5 बाय 2 इंटू ए, तो a का वैल्यू 3। ओके, तो x इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 3 जा 12, 12 इंटू 5 60 बाय 2 इंटू 3 6, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 में 60 माइनस होगा 4 बाय 6। ओके, देन अब x इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का वैल्यू 2 बाय 6। ओके, तो x इक्वल टू अब क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम हम प्लस साइन यूज करेंगे, तो माइनस 8 प्लस 2 बाय 6 एंड x इक्वल टू सेकेंड क्या करेंगे, हम माइनस साइन यूज करेंगे, तो माइनस 8 माइनस 2 बाय 6। तो x इक्वल टू माइनस 8 प्लस 2 माइनस 6 के इक्वल होगा बाय 6, और यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 8 माइनस 2 माइनस 10 के इक्वल हो जाएगा बाय 6। ओके, ये कट जाएगा वन टाइम में, तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1 एंड x इक्वल टू यहाँ पे 2 से कट करो, 2 3 जा 2 5 जा, तो माइनस 5 बाय 3, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, जिसको हम a बोलेंगे वो है 4, और x का कोएफिशिएंट क्या है b, वो है माइनस 4a के इक्वल, माइनस 4a, और जो कांस्टेंट है वो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, कांस्टेंट है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b जो कोएफिशिएंट होता है x का वो x को हटा दो माइनस 4a, और जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर हटाओ 4। ओके, अब therefore x इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ओके, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, और b का वैल्यू क्या है, माइनस 4a है, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो a का वैल्यू 4 और c का वैल्यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, क्लियर है यहां तक। अब होल बाय में है 2a यानी 2 और a का वैल्यू 4। ओके, तो चलिए अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4a प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और ए स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर अब ये होगा माइनस 4 4 जा 16 16 इंटू ए स्क्वायर माइनस 16 ए स्क्वायर, और ये माइनस और माइनस प्लस 4 इंटू 4 16 इंटू बी स्क्वायर। ओके, बाय 2 इंटू 4 8, तो ये 16 ए स्क्वायर और माइनस 16 ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा आगे देखिए, तब x इक्वल टू होगा 4 ए प्लस माइनस अंडर रूट 16 बी स्क्वायर बाय 8। ओके, तो x इक्वल टू 4 ए प्लस माइनस,
अब ये 16 रूट से बाहर आएगा तो 4, बी स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो बी बाय 8। चलो 4 कॉमन ले लेते हैं, अगर 4 कॉमन ले लें तो हो जाएगा a, क्या बच जाएगा a प्लस माइनस बी बाय 8। ओके, तो 4 से ये कट जाएगा 2 टाइम में। देन अब x इक्वल टू क्या होगा, पहले प्लस साइन यूज करेंगे तो a प्लस बी बाय 2, और x का दूसरा वैल्यू जो होगा माइनस साइन यूज करेंगे तो a माइनस बी बाय 2। तो एक आंसर हो जाएगा a प्लस बी बाय 2 और दूसरा हो जाएगा a माइनस बी बाय 2। ओके, समझ चुके हैं यहाँ तक। तो ये हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर से रिकॉल किए और उसके कुछ क्वेश्चंस को बना करके देखें। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। ओके, तो बाइनोमियल थ्योरम है क्या, सबसे पहले इसको समझते हैं। अगर टर्म्स के बेसिस पे देखें तो बाइनोमियल का मीनिंग होता है जिसमें दो टर्म हो। कितना टर्म हो? 2 टर्म। ओके, तो अंडर ब्रैकेट में यहाँ पे देखिए दो टर्म है, 1 प्लस एक्स। क्या है? 1 प्लस एक्स। ओके, तो बाइनोमियल थ्योरम कहता है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर अगर एन हो तो उसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो वो 1 प्लस एन इंटू एक्स एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाय 3 का फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। फिर नेक्स्ट टर्म हो जाएगा एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 बाय 4 का फैक्टोरियल इंटू एक्स टू द पावर 4। और इसी तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा, तब तक जाएगा जब तक कि यहाँ पे कोई जीरो ना आ जाए। जैसे अगर आप n का वैल्यू 1 लेते हैं, क्या लेते हैं? 1, तो 1 और nx मिलेगा और यहाँ 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से आगे का टर्म नहीं आएगा, सब जीरो होता चला जाएगा। अगर आप यहाँ n का वैल्यू 2 लेते हैं तो ये n माइनस 2 जीरो, यहाँ पे n माइनस 2 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा और यहाँ से आगे का टर्म जो भी है वो सब जीरो हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे n का वैल्यू 3 लेते हैं तो 3 लेंगे तो जो नेक्स्ट आने वाला टर्म है वहां से वो जीरो हो जाएगा। तो ये कितना लॉन्ग जाएगा एक्सपेंड होने के बाद वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पावर कितना है। हम अभी इसका कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे बट इसका बेसिक्स को समझ लेते हैं। अभी ये जो 2 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल हम बोल रहे हैं ये आपके लिए बिल्कुल नया वर्ड है। तो ये फैक्टोरियल होता क्या है? मैथमेटिक्स में अगर फैक्टोरियल का सिंबल को देखें तो एक है ये सिंबल जिसको हम लोग फैक्टोरियल पढ़ेंगे और दूसरा सिंबल इस टाइप का होता है। ओके, तो अगर 3 का फैक्टोरियल लिखा है, फैक्टोरियल ऑफ 3, इट मींस 3 इंटू 2 इंटू 1, जिसका फैक्टोरियल है उसको मल्टीप्लाई करते हुए उससे लेस नंबर लेते हुए 1 तक पहुंचना है। अगर 5 का फैक्टोरियल है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। 7 का फैक्टोरियल है तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। अगर 10 का फैक्टोरियल है तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 के इक्वल होगा। तो हम 10 के फैक्टोरियल को हम 10 इंटू 9 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं क्योंकि 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जो है वो ये 9 का फैक्टोरियल है। तो हम ये 10 को यहाँ पे लिखें और यहाँ के बाद का जो टर्म है वो 9 का फैक्टोरियल है तो हम 9 का फैक्टोरियल लिख दिए। चलो 9 के फैक्टोरियल को अगर हम यहाँ लिखें तो एक सिंबल इस तरह से दे सकते हैं 9 के फैक्टोरियल का, या फिर हम इस तरह से दे सकते हैं और ये होगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी ये जो पूरा टर्म है उसके बदले में सिर्फ 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यहाँ पे भी हमने 9 से लेके 1 तक का जो मल्टीप्लीकेशन का जो सीरीज है हम लोगों ने इसको क्या किया, 9 का फैक्टोरियल लिखा। ओके, और यहाँ पे जो याद रखने की बात है वो सबसे जरूरी आपको ये जानना है कि 0 का भी फैक्टोरियल 1 होगा और 1 का भी फैक्टोरियल 1 होगा, 0 का भी फैक्टोरियल 1 होगा और 1 का भी फैक्टोरियल 1 होगा, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ इसका एग्जाम्पल्स को देखेंगे। ओके, तो समझ पा रहे हैं यहाँ तक? आइए सबसे पहला और सबसे इजी क्वेश्चन देखते हैं कि 1 प्लस एक्स टू द पावर अगर 1 हो तब क्या करेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग n का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो n का वैल्यू जब 1 हो गया तब चलो इसको एक्सपेंड करते हैं, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1, 1 प्लस एक्स का होल पावर 1 इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, तो n का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 इंटू एक्स प्लस, अब नेक्स्ट टर्म
एन, तो एन का वैल्यू क्या है वन, तो वन फिर ब्रैकेट में क्या है एन माइनस वन, तो एन का वैल्यू वन है तो वन माइनस वन बाय टू का फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और ये वन माइनस वन हर जगह आएगा, यहाँ भी वन माइनस वन होगा, नेक्स्ट टर्म में भी वन माइनस वन होगा, और हर टर्म को वो जीरो करता चला जाएगा, और जब वो हर टर्म को जीरो करता चला जाएगा तो ये टर्म यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, आगे का जो भी टर्म आने वाला है वो जीरो हो जाएगा, और इसका आंसर सिर्फ हो जाएगा वन प्लस एक्स। तो आप जान ही रहे हैं किसी भी टर्म का अगर पावर वन करेंगे तो वो वही रह जाएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 प्लस एक्स का होल पावर 2 है, इसको एक्सपेंड करना है बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग। ओके, तो चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं, 1 प्लस एक्स का होल पावर 2। तो यहां पे बताओ 1 है x है और n जो पावर है उसके प्लस पे क्या है 2 है, तो चलो एक्सपेंड करते हैं 1 प्लस एन एक्स यानी जो पावर है उसको मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू एक्स प्लस एन, एन का वैल्यू क्या है पावर 2 है, फिर एन माइनस वन यानी 2 माइनस वन बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन, तो एन का वैल्यू 2 है यहाँ पे, पावर क्या है 2 है, फिर क्या होगा एन माइनस वन यानी 2 माइनस वन, फिर अगला टर्म क्या होगा 2 माइनस 2 बाय 3 का फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। ओके, तो पहले इसी टर्म को समझो, यहाँ पे 2 माइनस 2 आ गया, जब ये 2 माइनस 2 होगा तो ये 0 हो जाएगा और ये पूरा टर्म को मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा, और ये n माइनस 2 आने वाला हर एक टर्म में है यानी वो आने वाला हर एक टर्म को 0 कर देगा, इसलिए हम यहाँ से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। ओके, अब इसको कैसे समझेंगे, तो इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक दे रहे हैं कि जो पावर है उससे एक ज़्यादा टर्म लेना, अगर यहाँ पे पावर 2 है तो 3 टर्म आएगा 1 2 3, अगर यहाँ 3 रहेगा तो हम 4 टर्म तक जाएंगे और रोक देंगे, अगर यहाँ 5 रहेगा तो हम 6 टर्म तक जाएंगे और रोक देंगे। ओके, यहाँ पावर 2 है तो हमको वन टर्म ज़्यादा लेना है, तो एक प्लस माइनस के बाद हम टर्म को काउंट करेंगे, तो 1 2 और 3 तीन टर्म हो गया, ये खत्म हो गया, इसके बाद आने वाला टर्म 0 होगा। ओके, समझ पा रहे हैं, तो अब क्या होगा ये 1 प्लस 2x प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 1, और 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ये टर्म पूरा कैंसिल, तो 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। ओके, अगर आप देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर में भी अगर इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2ab तो 2 इंटू 1 इंटू x 2x के इक्वल होगा, प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ओके, यहां तक समझ चुके हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस x का होल पावर 3। 1 प्लस x का होल पावर 3, तो चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं, अगर हम टर्म की बात करें तो हमको 4 टर्म तक जाना है क्योंकि इसका पावर कितना है 3 है, तो हम इससे 1 टर्म मोर लेंगे और उसके बाद का हर एक टर्म 0 हो जाएगा, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं 1 प्लस x का होल पावर 3। तो n का वैल्यू क्या है 3 है, n का वैल्यू क्या है 3 है, पुट करो 1 प्लस n का वैल्यू 3x प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1 बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2 बाय 3 का फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। टर्म काउंट करो 1 2 3 4, 4 टर्म हो गया, आने वाला नेक्स्ट टर्म जो होगा वो 0 होगा क्योंकि n n-1 n-2 तक हो चुका है, आने वाला टर्म में n-3 होगा और मेरे पास n का वैल्यू 3 है, तो 3-3 जैसे ही होगा वो 0 हो जाएगा और आने वाला हर टर्म को वो 0 करना शुरू कर देगा। ओके, तो चलिए अब इसको 1 प्लस 3x प्लस 3 इंटू 3-1 2 और 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और 3-1 2 और 3-2 1 और 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू एक्स क्यूब, ये पूरा कैंसिल 2 2 कैंसिल, तो ये 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो समझ पा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम को कि बाइनोमियल थ्योरम है क्या, क्योंकि हम लोग पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर याद कर लेते थे, a प्लस बी का होल क्यूब याद कर लेते थे, लेकिन अगर a प्लस बी का पावर 6 हो तब क्या करेंगे,
तब हमें हेल्प करेगा बाइनोमियल थ्योरम। अब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अगर जान रहे तो उस पर पुट करके देखो यही आंसर आएगा। लेकिन हमको याद अभी तक वहीं तक है, हम a प्लस बी का होल पावर 4 नहीं जानते, a प्लस बी का होल पावर 5 नहीं जानते, a प्लस बी का होल पावर 6 को नहीं जानते, उसको हम इस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स टू द पावर होल पावर 4 को एक्सपेंड करना है। ओके, तो 1 प्लस एक्स होल पावर 4, सबसे पहले ये बात करते हैं इसका एक्सपेंड करने के बाद ये कितने टर्म्स तक जाएगा। तो पावर से एक ज्यादा, यानी 4 से एक ज्यादा, 5 टर्म्स तक जाएगा। तो चलो 5 टर्म्स तक इसको लेके जाते हैं। n का वैल्यू क्या है? 4 है। तो 1 प्लस एन एक्स इट मीन्स 4x प्लस n यानी 4 n माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n, तो n के प्लस पे क्या पुट करेंगे? 4, फिर 4 माइनस 1, फिर 4 माइनस 2 बाय 3 का फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3 बाय 4 का फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3 बाय 4 का फैक्टोरियल इंटू एक्स टू द पावर 4। ओके, अब नेक्स्ट जो टर्म आएगा वो 4 माइनस 4 हो जाएगा और वो 0 हो जाएगा। और जब 4 माइनस 4 0 हो जाएगा तो आने वाला हर टर्म 0 करता चला जाएगा। और ये देखो नंबर ऑफ टर्म्स, तो 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसका जो पावर है 4 है, तो इससे एक टर्म ज्यादा आएगा, 5 टर्म आएगा। ओके, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 प्लस 4x प्लस 4 इंटू 4 माइनस 1 3 बाय 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 माइनस 1 3 4 माइनस 2 2 बाय 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 4 माइनस 1 3 4 माइनस 2 2 4 माइनस 3 1 और 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू एक्स टू द पावर 4। ओके, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 4x प्लस 2 2 जा 4 3 इंटू 2 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 2 कैंसल 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस ये पूरा टर्म कैंसल एक्स टू द पावर 4। ओके, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? ओके, आइए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं बाइनोमियल का, जिसका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज है। तो बाइनोमियल थ्योरम का ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझिएगा। ओके, ये है क्या? अगर बाइनोमियल थ्योरम जो था 1 प्लस एक्स टू द पावर होल पावर एन का जो फॉर्मूला था 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर और फर्दर आगे बढ़ा था वो, लेकिन अगर यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू है वो 1 से वेरी वेरी लेस हो, मोड में इसलिए रखा गया है कि पॉजिटिव वैल्यू 1 से लेस हो। ओके, तो यहाँ x का जो वैल्यू होगा वो माइनस 1 से बड़ा और 1 से अगर छोटा हो, जैसे x का वैल्यू माइनस 0.7 हो, x का वैल्यू माइनस 0.5 हो, x का वैल्यू माइनस 0.3 हो, या फिर इसके बीच में कहीं भी हो, या फिर 0.1 हो, 0.2 हो, 0.3 हो, 0.5 हो, 0.8 हो, माइनस 1 से छोटा होना चाहिए, सॉरी माइनस 1 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए, या फिर इस फॉर्म में हो 5/11, 7/63, इट मींस न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर इसके कंपैरिजन में बड़ा होना चाहिए। अगर इस टाइप का वैल्यू अगर x के प्लेस पे आ जाएगा तब हम उसका पूरा लॉन्ग जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है वो ना यूज करके सिर्फ इतना यूज करेंगे 1 प्लस nx। क्या यूज करेंगे? 1 प्लस एन एक्स, और आगे का जो टर्म है वो बहुत ही स्मॉल होगा, बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा, क्योंकि जब 1 से छोटा वैल्यू का हम स्क्वायर करते हैं, क्यूब करेंगे, उसका पावर 4 करेंगे, तो वो और छोटा होता चला जाएगा, इसलिए हम उसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो हम इसको यूज़ कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे देखिए 1 प्लस 5 बाय 17 है, 1 प्लस 5 बाय 17, और इसका होल पावर माइनस 3 है, तो ये तो फॉर्मूला में है। यहाँ पे 5/17 को देखो, अगर हम 5/17 को देखें तो 5/17 का वैल्यू 1 से काफ़ी कम है, 1 के कंपैरिजन में ये बहुत छोटा है, और होल पावर क्या है? -3 है। तब हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, करेंगे क्या? 1
प्लस जो पावर है उसको लिखेंगे माइनस थ्री, और जो वन से छोटा वैल्यू एक्स के प्लस पे है उसको लिख देंगे 5/17। तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस 5 × 3 = 15/17। ओके, फिर यहाँ से आप एलसीएम ले लो, 17 17 - 15 तो हो जाएगा 2/17। ओके, तब ये कितना हो जाएगा, जीरो पॉइंट पॉइंट देंगे, यहाँ एक जीरो लग जाएगा तो हो जाएगा 17 × 1 = 17 और ये 3 बच रहा है तो फिर 3 बच रहा है, पॉइंट दिए हैं वो 30 हो जाएगा, 17 से नहीं कटेगा, फिर जीरो आएगा और समथिंग आगे कुछ आएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा। ओके, तो किस तरह से हम इसको यूज करेंगे ये समझ पा रहे हैं। पहला ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो x का प्लेस पे जो वैल्यू आ रहा है वो 1 से वेरी लेस होना चाहिए। वो कब होगा, जब जो न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर बड़ा होगा तब ऐसा होगा। ओके, यहाँ तक समझ पा रहे हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अगर जी डैश इक्वल टू जी आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर है, ये फॉर्मूला किसका है, पहले ये बता दें, 11 में हम इसको पढ़ेंगे। ये फॉर्मूला है कि जब हम हाइट पे जाते हैं तो एच का वैल्यू चेंज करता है, हाइट पे जाते हैं या फिर अर्थ के नीचे जाते हैं तो जो जी का वैल्यू है, जी का वैल्यू वो चेंज करता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज करता है, उसी का ये फॉर्मूला है, जहाँ पे स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन शो कर रहा है जिसका वैल्यू 9.8 होता है, 9 में हम इसको पढ़े होंगे, और यहाँ पे r जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है और h की कितना हाइट पे हम g का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला है। यहाँ पे जो हाइट होता है, अगर वो हाइट अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में अगर बहुत कम हो, h वेरी वेरी लेस देन r हो, तब प्रूफ करके दिखाना है हमको कि जो g निकालने का, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालने का जो फॉर्मूला होगा उस हाइट पे, वो g डैश इक्वल टू g इंटू 1 - 2h / r के फॉर्म में होगा। इस फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए इस फॉर्म में हमको ये बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है जी डैश इक्वल टू जी आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ओके, हम इसको अरेंज करेंगे जी आर स्क्वायर बाय आर कॉमन लेंगे, जब आर कॉमन लेंगे तो ये आर के प्लस पे 1 हो जाएगा और एच में आर नहीं है मल्टीपल में तो एच के साथ ये डिवाइड में आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ये पूरे का होल स्क्वायर था तो हम ये पूरे का होल स्क्वायर कर दिए। तो अब क्या हो जाएगा, जी डैश इक्वल टू जी आर स्क्वायर बाय, अब ये स्क्वायर जो है वो इसके लिए भी और इस ब्रैकेट में जो वैल्यू उसके लिए भी है, तो आर का होल स्क्वायर को अलग कर दो और 1 + h / r का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अब क्या आ जाएगा g, और अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो 1 + h / r का होल पावर -2 हो जाएगा, पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो वैल्यू, h जो है वो हाइट है, वो हो सकता है 100 मीटर हो 200 मीटर हो, और ये जो रेडियस होता है अर्थ का वो 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस है, और ये हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ले सकते हैं, 3 किलोमीटर ले सकते हैं, तो 3 किलोमीटर / 3/6400 करेंगे तो इसका वैल्यू 1 से बहुत छोटा आएगा या नहीं, और जब इसका वैल्यू 1 से बहुत छोटा आएगा तो बाइनोमियल थ्योरम के हम इस थ्योरम को यूज़ कर पाएंगे। ओके, तो जब हम इसको यूज़ करेंगे तब क्या हो जाएगा, जी डैश इक्वल टू जी, और क्या था, 1 + x^2 अगर n हो और x का वैल्यू 1 से लेस हो तो 1 + nx के इक्वल होगा, यानी पावर सिर्फ x में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 + h / r के फॉर्म में है, जो ये 1 से बहुत छोटा वैल्यू है और इसका पावर -2 है, तब ये हो जाएगा 1 + पावर को पहले लाओ -2 × h / r। ओके, क्या हो जाएगा h / r, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जी 1 + -2h / r। ओके, और यही फॉर्मूला हम लोगों को प्रूफ करने के लिए बोला गया था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम का जो इम्पोर्टेंस कितना है फिजिक्स के फॉर्मूला डिराइव करने में और उसको सॉल्व करने में, और ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह यूज होगा 11 से लेके 12 तक। तो आई होप कि यहाँ तक आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेलुएट √26। ओके, तो हम जान रहे हैं कि 26 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, बट इसको हमको स्क्वायर रूट निकालना है 26 का। ओके, सॉल्व करते हैं इसको।
तो अंडर रूट 26 को हम लिख सकते हैं 26 टू द पावर 1 बाय 2। क्या लिख सकते हैं? 26 टू द पावर 1 बाय 2। ओके, तो फिर हम यहां पे 26 को 25 प्लस 1 टू द पावर 1 बाय 2 भी लिख सकते हैं, 26 को 25 प्लस 1 भी लिख सकते हैं। ओके, हम इसको क्या करेंगे, जो कंप्लीट स्क्वायर है 25 कंप्लीट स्क्वायर है, तो उसमें प्लस माइनस करने के बाद क्या मिल रहा है वो हम पहले देख लेंगे। ओके, तो चलो हम 25 को कॉमन लेते हैं। अगर 25 को कॉमन लेते हैं तो 25 के प्लेस पे 1 और 1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1/25। ओके, क्योंकि इसके पास 25 नहीं था, हम मल्टीपल में कॉमन लिए हैं तो डिवाइड में आ जाएगा 25, पावर हो गया 1/2। ओके, तो अब 25 का पावर 1/2, ओके, और 1 + 1/25 का पावर 1/2। ओके, तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, पावर 1/2 इंटू 1 + 1/25 पावर 1/2। ओके, तो अब ये पावर 2 कैंसल, 5 हो जाएगा इंटू 1 + हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि 1 + x^2 अगर n हो तो वो 1 + nx के इक्वल हो जाएगा। कंडीशन क्या है कि मोड x का वैल्यू लेस देन, वेरी वेरी लेस देन 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1/25 1 से छोटा है या नहीं, 1 से बहुत ही छोटा है, 1 को 25 से डिवाइड किया गया है, तो हम उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तब क्या हो जाएगा, 1 + पावर कितना है 1/2 और एक्स के प्लस पे है 1/25। ओके, तब क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 + 1/50। ओके, तो 5 इंटू 1 + कितना हो जाएगा, ये 0 पॉइंट दिए तो 1/50, अगर हम पॉइंट यहाँ पुट किए तो ये एक जीरो लग गया, फिर हम लोग 0 पुट किए, 0 लग गया, अब 2 टाइम में कट जाएगा। ओके, तो ये हो गया 5 इंटू 1.02। ओके, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 × 2 = 10, 0 1 कैरी किए, 5 × 1 = 5। ओके, तो अंडर रूट इस तरह से ये वैल्यू क्या आ गया, 5.1 आ गया, तो अंडर रूट 26 का वैल्यू 5.1 होगा। ओके, समझ पा रहे हैं यहां तक? तो करना क्या है कि जो भी नंबर दिया हुआ है हमको, जिसको भी सॉल्व करना है, वो देखना है कि ये नंबर कंप्लीट स्क्वायर से कितना नजदीक है या कितना दूर है। ठीक है, जैसे 26 था तो हमने किया 25 + 1, अगर यही यहाँ पे 24 रहता तो हम यहाँ पे क्या लिखते, 25 - 1 लिखते, 50 रहता तो 49 + 1 करते, और 48 रहता तो 49 - 1 करते। ओके, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ चुके हैं आप? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटिन्यू बने रहिए पीसी इंस्टीट्यूट के साथ और धीरे धीरे अच्छे से सीखते जाइए फिजिक्स को, और जो फिजिक्स फोबिया होता है, फिजिक्स से डर होता है, उसको खत्म करना है। ओके, ये तब खत्म होगा जब ग्रेजुअली धीरे धीरे हम लोग फिजिक्स को अच्छे से पढ़ते जाएंगे, रिविजन करेंगे, तभी ये खत्म होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।